Hello everyone, welcome back to my channel. This is BioFit Nutrition. So today I want to talk about some food. फूड जो है इसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक तो हाई कैलरी फूड होता है और एक लो कैलरी फूड होता है. तो लो कैलरी फूड को हम फ्री फूड कहते हैं. टुडे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द फ्री फूड दैट आर अवेलेबल विद अस. हम वो फ्री फूड ले सकते हैं, वो लो कैलरी फूड ले सकते हैं और अपने हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग क्या है, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर वेट, कीप योर फूड जर्नल. फूड जर्नल का मतलब क्या है कि आप अपना जो डाइट लेते हैं उसका रिकॉर्ड रखो. देखो कि आप सारे दिन में क्या खाते हो, कितना खाते हो, क्वांटिटी देखो और उसको ये देखो कि आप कोई भी चीज़ अगर बिस्किट्स ले रहे हो तो बिस्किट्स की कैलोरीज रीड करो कि आप एक बिस्किट में कितनी कैलोरी ले रहे हो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, टेक एटलीस्ट वन कप ऑफ अ डे. देयर आर सो मैनी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आई एम शोइंग यू. सो दीज vegetables you can take in appropriate amount and maintain your healthy weight. So second category if I talk about, that is high volume vegetables. High volume vegetables का मतलब क्या है कि जिसमें water content ज़्यादा होगा वो वाली vegetables. तो आपके आस पास जो भी अच्छी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, हाँ अच्छी का मतलब क्या है कि कई वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये वेजिटेबल्स को थोड़ा अवॉइड करो बिकॉज दे समटाइम कैन कॉज सम हेल्थ इशू. लाइक अगर किसी को थायराइड है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द अप्रोप्रिएट हाई वाटर कंटेंट हाई वॉल्यूम वेजिटेबल्स, सो देयर आर ऑल लीफी ग्रीन्स, एस्पैरिगस, ब्रोकली, beetroot, cabbage, carrot, cucumber and zucchini. So these are some vegetables and bell pepper. जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा nutrients होते हैं as well as इनमें काफ़ी low calories होती हैं. Third है high volume fruit. तो ये वो fruit है. Not all fruits are free food because some fruit can contain a large amount of calories. ठीक है, तो देर आर सम फ्रूट दे कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलरी. सो दीज आर लाइम, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, टोमेटो, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, वाटरमेलन एंड हनी ड्यू. सो दीज आर सम फ्रूट दैट कंटेन लो कैलरी. तो फोर्थ इफ आई टॉक अबाउट इज ब्रॉथ. ब्रॉथ जो है होम मेड ब्रॉथ आप यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल ब्रॉथ यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर वेजिटेरियन. सो वन कप ऑफ ब्रॉथ कैन कंटेन 18 कैलरी, बट कोशिश करना कि जो ब्रॉथ है उसको होम मेड ब्रॉथ बनाओ तो उसमें आप सोडियम का जो कंटेंट है वो लो ले सकते हो. अगर आप रेडीमेड ब्रॉथ यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें सोडियम का कंटेंट हाई मिलेगा एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज फैट. सो फिफ्थ फूड है हर्ब एंड स्पाइसेस. वी हैव लॉट ऑफ हर्ब एंड स्पाइसेस दैट कैन मेंटेन अवर हेल्दी वेट. तो इफ आई टॉक अबाउट स्पाइसेस, तो वन टेबल स्पून ऑफ स्पाइस जो है उसमें आपको 9 कैलोरी मिल सकती है एंड वन कप ऑफ हर्ब कैन कंटेन 4 कैलोरीज. वन टेबल स्पून ऑफ स्पाइसेस जो है उसमें 2 कप ऑफ ग्रेप के एंटी ऑक्सीडेंट्स. एंड अगर मैं कुछ बात करूँ स्पाइसेस की, सो देयर आर टर्मेरिक, सिनेमन, जिंजर, क्लोव्स एंड चिलीज. उसके अलावा हर्ब्स, सेज, ऑरिगेनो, बेसिल, कोरिएंडर, देयर आर लॉट्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस दैट कैन मेंटेन योर हेल्दी वेट. एंड लास्ट फूड इज ट्रीट. ट्रीट का मतलब ये नहीं है कि आप केक लोगे, आप पेस्ट्री लोगे, ठीक है. प्लीज़ अवॉइड दीज शुगर सब्सटेंसेस, स्टे अवे फ्रॉम हाई कैलोरी फूड. यू कैन टेक एयर कुक्ड पॉपकॉर्न्स. पॉपकॉर्न्स जो हैं दे आर वेरी लो कैलोरी फूड. इफ़ यू नीड एन अ हेल्दी स्नैक, आपको कुछ स्नैक खाने का मन हो रहा है, गो फॉर पॉपकॉर्न, ठीक है. इस आप पीनट ले सकते हो स्नैक में, आप पोहा ले सकते हो स्नैक में. तो बहुत सारे हेल्दी फूड्स हैं जो आप स्नैक में ले सकते हो. आमंड्स हैं, कैश्यूज हैं, ऑल नट्स आर देयर. सो गो फॉर हेल्दी फूड, गो फॉर लो कैलोरी फूड, बी फिट, स्टे फिट एंड थैंक यू सो मच.